हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वरुण है। आप देख रहे हैं हंसवानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा पोइथ्रेसन हेडफोन में असिस्टिव सेटिंग्स के हिडन फीचर के बारे में फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स ये हिडन फीचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये हिडन फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए फ्रेंड्स। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि मेरे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ये हिडन फीचर के बारे में जानने के लिए तो पहले आपको सेटिंग्स पर आपको जाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन के सेटिंग्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको भी क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करके फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने का फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट एंड कन्वीनियंट, तो फ्रेंड्स उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टिव बल्ब, तो फ्रेंड्स आपको असिस्टिव बल्ब पर आपको क्लिक कर देना है। असिस्टिव बल्ब पर क्लिक करने का फ्रेंड्स आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको असिस्टिव बल्ब को इनेबल कर देना है, यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है तो फ्रेंड्स इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद आपको एक फीचर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, उसी फीचर के बारे में आज मैं बताऊँगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने का फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं आपको एक सिंबल देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी ऑप्शन के बारे में आज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन पे मैं एक बार क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैक हो जाएगा, देख सकते हैं बैक हो जाएगा, इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मैं इसमें डबल टैप करूँगा तो मल्टी टास्किंग होगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मैं इसमें टच एंड होल्ड करूँगा तो फ्रेंड्स होम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, देखिए मैं डबल टैप कर रहा था, देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने डबल टैप किया तो मल्टीटास्किंग हो गया फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मैं टच एंड होल्ड करूंगा तो ऑटोमेटिक ये होम हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए तो देख सकते हैं फ्रेंड्स होम हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप सेटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को आप थोड़ा भी इसकी मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, उसी तरह आपको जाना है सेटिंग्स पर, इसका फ्रेंड्स आपको स्मार्ट एंड कन्वीनियंट पर जाना है, इसका फ्रेंड्स असिस्टिव बल्ब पर आपको जाना है, इसके उसी जगह जाना है जहाँ से आप सेटिंग किए थे, जैसे मैंने यहाँ से सेटिंग किया था। अगर आप उस टैप के एक टैप पे आप दूसरा सेटिंग करना चाहते हैं तो आप दूसरा सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन सेंटर, लॉक स्क्रीन, वन हैंड मोड, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट, इसका तो नॉन। आप जो सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बैक ही रहने देता हूँ, एक टैप पे बैक ही मैं करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आप सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डुअल टैप पे, तो डुअल टैप आपको क्लिक कर, डुअल टैप पे क्लिक करने पर आप क्या करना चाहते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीटास्किंग, नोटिफिकेशन सेंटर, लॉक स्क्रीन, वन हैंड मोड, इसको तो स्क्रीन शॉट आपको नॉन। अब जो सेटिंग करना चाहते हैं उसी तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे पहले मैं आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आप जो सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टच एंड होल्ड, तो फ्रेंड्स उस पर क्लिक करके आप भी जो यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी वही रहने देता हूँ, तो बैक कीजिए। इसका फ्रेंड्स देख सकते हैं टैप मेनू, तो फ्रेंड्स आपको टैप मेनू पर आपको क्लिक कर देना है, उसी तरह से जैसे मैंने पहले वाला पे मैंने आपको बताया गेस्चर ऑपरेशन के बारे में, उसी तरह से इसमें भी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बैक पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बैक होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वन हैंड मोड होगा फ्रेंड्स, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो मल्टी टास्किंग होगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन होगा, इसके इस पर क्लिक कर देते हैं तो होम स्क्रीन हो जाएगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कुछ करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके तो फ्रेंड्स वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, जो आप सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी तत्काल वही रहने देता हूँ, और आप जो सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस सबसे ऑप्शन में से आप जो सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं। एक बार क्लिक करके आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, इस तरह से आप सब में क्लिक करके ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप जो सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, तो आप जो सेटिंग करना चाहते हैं उसे आप सेटिंग कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इसका प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बैक होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैक हो गया इसका फ्रेंड्स, मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मल्टी टास्किंग होगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर वन हैंड मोड हो गया। इसका फ्रेंड्स, मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मल्टी टास्किंग होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मल्टी टास्किंग हो गया इसका फ्रेंड्स। अब इसमें देख सकते हैं लॉक के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो स्क्रीन लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन लॉक हो गए हैं, इसका मैं इसको ओपन कर देता हूं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ओपन किया,
इसका फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आपको देखने को मिल रहा तो उस पर क्लिक कर देते तो होम हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स होम हो गया पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ये सेटिंग करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन में तो आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटी का बटन है उसे भी दबाइए ताकि मेरे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।